खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गांव छंदो के लिए 3 लाख रुपए से निर्मित संपर्क सड़क तथा 9 लाख रुपए से निर्मित मुख्य सड़क से गांव जोहड़ी तक संपर्क सड़क का उद्घाटन किया और उसके उपरांत उन्होंने तिडोन में 3 लाख रुपए से निर्मित होने वाले सामुदायिक भवन और 3 लाख रुपए से ही निर्मित होने वाले महिला मंडल भवन का शिलान्यास भी किया। उन्होंने 4.50 लाख रुपए की लागत से निर्मित गांव लिंक के लिए संपर्क सड़क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के माध्यम से हर वर्ग के लोगों को लाभान्वित कर रही है। उन्होंने कहा कि समाज सर्वोपरि है तथा इसी ध्येय को लेकर आगे बढ़ना है और प्रत्येक क्षेत्र का चरणबद्ध तरीके से प्राथमिकता के आधार पर विकास सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य इत्यादि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार वचनबद्ध है और इन क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास की भाग्य रेखाएं होती हैं। सड़कों के बिना क्षेत्र का विकास संभव नहीं होता। लोगों की सुविधा के लिए हर गांव के लिए संपर्क सड़कें बनाई जा रही हैं ताकि लोगों को यातायात के बेहतरीन साधन प्राप्त हो सकें। उन्होंने कहा कि लोगों को सुचारू एवं स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के लिए महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत किसी भेदभाव के हर घर में नल लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में जून 2021 तक हर घर में नल लगाने के लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के कोल डैम से 53 करोड़ रुपए की पेयजल योजना भी स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में विकास के नए नए आयाम स्थापित हों। बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे कैबिनेट मंत्री बनाकर आपके बीच में भेजा। मित्रों, ये मेरा मान सम्मान नहीं है, ये आप सब माताओं, बहनों, बुजुर्गों, युवा साथियों, आप सबका सम्मान है, घुमारवीं का सम्मान है, जिला बिलासपुर का सम्मान है। और ये मौका भी अगर दिया गया है तो आपके कारण दिया गया है, और ये सारा का सारा अवसर जो मिला है ये मैं आपको पूरी ताकत के साथ समर्पित करूंगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, और जो भी बातें यहाँ आदरणीय मेहर सिंह जी ने और अन्य लोगों ने यहाँ रखी, बहुत सी बातें मेरे पास लिखकर आ गई हैं, मैं उन सब पर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी बातें आपने रखी हैं मैं उनको तय समय में पूरा करके आपको दूंगा। चाहे सड़क की बात है, चाहे शमशान घाट की बात है, चाहे महिला मंडल के कार्यपूर्ति की बात है, ये सारे के सारे काम, क्योंकि पहले भी हमने आपसे वादा किया था, पीने का पानी की बात की थी, और हमने जल्दी से जल्दी जितना हो सकता था हमने प्रयास किया, और आपके इस क्षेत्र में पीने के पानी की भी एक नई स्कीम भी 10 करोड़ रुपए की जो है यहाँ चलाई हुई है, और बड़ा टैंक यहाँ आपके यहाँ बन गया है लगभग, और उससे कनेक्शन भी आगे कर दिए हैं। ऐसा अनेक सारे काम जो हैं आपके क्षेत्र में हमने किए हैं, और आगे भी पूरी ताकत के साथ जो भी आपने हमें समस्याएं बताई हैं, विकास की बातें कही हैं, उनको हम पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ पुनः आप सबने मेरा यहाँ आने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।